हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन हम लोग हैं बच्चे अपने बीसी के चैप्टर नंबर फ़ाइव के लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर थ्री के साथ बच्चे इस लेक्चर में हम लोग आसानी से इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग चल रहे होंगे इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तरफ आना बच्चे बड़े ध्यान से मेरे साथ जुड़ना और कॉम्पटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सी के बारे में जानना देखो सी की बातें क्या कहता है कहता है कॉम्पटिशन इज़ अ कॉन्टेस्ट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एनिमल्स इंडिविजुअल्स ग्रुप्स ई कंपटीशन के बारे में कहा जाता है कि कंपटीशन जो है वो एक कॉन्टेस्ट है किसमें अलग अलग जीवों के बीच में अलग अलग जानवरों के बीच में अलग अलग व्यक्तियों के बीच में ग्रुप्स के बीच में ई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस कॉम्पिटिशन इज द बेस्ट मीन्स ऑफ इंश्योरिंग दैट कॉमन मैन हैज़ एक्सेस टू द ब्रॉडेस्ट रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस ये लो बच्चा कहता है अगर बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो कंपटीशन जो है वो बेस्ट मीन है इंश्योर करने के लिए कॉमन मैन के लिए जिसमें वो एक आम इंसान जो है वो अलग अलग तरह के गुड्स और सर्विस के सबसे बेहतर प्राइस पे उसको वो अवेल कर सके यूज़ कर सके विथ इनक्रीज कॉम्पिटिशन प्रोड्यूसर्स विल हैव मैक्सिमम इंसेंटिव टू इनोवेट एंड स्पेशलाइज कहता है कॉम्पिटिशन जैसे, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रोड्यूसर जो है वो क्या करना शुरू कर देगा वो इनोवेशन करने लगेगा वो स्पेशलाइजेशन करने लगेगा दिस वुड रिजल्ट इन रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड वाइडर चॉइस टू कंज्यूमर्स कहता है ये जो है धीरे धीरे कीमत को गिराने लगेगा है ना कम करेगा और कंज्यूमर्स के लिए अलग अलग तरह के ऑप्शन अवेलेबल करवाएगा अ फेयर कॉम्पिटिशन इन अ मार्केट इज एसेंशियल टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव कहता है बाजार में मार्केट में एक फेयर कंपटीशन एक सही कंपटीशन जो है वो बहुत ही जरूरी है इस इस ऑब्जेक्टिव को को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कंपटीशन कमीशन वॉज सेटअप टू क्रिएट एंड सस्टेन फेयर कंपटीशन इन द इकोनॉमी दैट विल प्रोवाइड अ लेबल प्लेइंग फील्ड टू द प्रोड्यूसर्स एंड मेक द मार्केट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द लो कहता है क्या बच्चे कहता है कि बात अगर आप करते हो कंपटीशन की तो कंपटीशन कमीशन को इसलिए सेटअप किया गया था ताकि वो मार्केट में फेयर कंपटीशन सही प्रतियोगिता हो को होने दे है ना जिससे लेबल प्लेइंग फील्ड मतलब फ़ील्ड में हर लोग अपने लेबल को आगे बढ़ाएँ ऊपर करें और वहाँ पे लड़ाई करें प्रोड्यूसर्स एंड मेक द मार्केट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स काम करें और साथ ही साथ कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए भी काम हो है ना कॉम्पटिशन में भी इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एज डिस्कस्ड बिलो कॉम्पिटिशन जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है डायरेक्ट कॉम्पिटिशन की अगर बात करते हो तो कहता है प्रोडक्ट्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन कंपीट अगेंस्ट ईच अदर कहता है वो प्रोडक्ट जो परफॉर्म करते हैं एक ही तरह के फंक्शन को वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं एग्जाम्पल फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर किंग कोका कोला एंड पेप्सी पिज़्ज़ा हट एंड डोमिनोज ई टी सी हैव कॉम्पटिशन विथ ईच अदर

है ना एक फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जो होता है वो बाकी लोकल रेस्टोरेंट के साथ कम्पीट करता है बट इट ऑल्सो कम्पीट्स विथ नियर बाई सुपर मार्केट उसके साथ साथ वो बाकी के आस पास के जो सुपर मार्केट हैं उनके साथ भी कंपीट करता है दैट ऑफर रेडी टू ईट मील्स सच एज फ्रोजन पराठाज एंड ईट एंड सर्व डिशेस कहता है कि ये सब जो होते हैं ये आ, 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 बहुत ज़्यादा कंपटीशन को आगे बढ़ाते हैं ये रेडी टू ईट मील्स प्रोवाइड करते हैं फ्रोज़ेन पराठाज़ प्रोवाइड करते हैं और अलग अलग तरह के डिसेज़ प्रोवाइड करते हैं देयर शुड बी फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट टू गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स कहता है मार्केट में एकदम स्वतंत्र और एकदम सही तरीके से प्रतियोगिता होनी चाहिए जिसके ये सारे फ़ायदे हमें मिलेंगे पहला इनक्रेज इनोवेशन इसके कारण इनोवेशन हमेशा आगे होगा ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन होगा इंक्रीज एफिसेंसी ये हमेशा एफिसंेंसी को बढ़ाएगा पनिश दी लेगर्ड्स कहता है कि जितने भी लेगर्ड्स हैं जो धीरे धर, धीरे तरीके से सही तरीके से नहीं काम करते हैं कामचोर के टाइप काम करते हैं उन सबको पनिशमेंट भी मिलता है बूस्ट चॉइस इम्प्रूवस क्वालिटी रिड्यूसेस कॉस्ट कहता है कि अगर आप सही तरह से प्रोडक्ट को बढ़ाते हो सही चॉइस करते हो तो आपके कॉस्ट को रिड्यूस करता है एनस्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन अबंडस ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी इन अफोर्डेबल प्राइस कहता है कि ये गुड्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है सुनिश्चित करता है जिसमें एकदम ऐसे प्राइस पे आपको गुड्स अवेलेबल होते हैं जिस प्राइसेस पे आप आसानी से उस गुड्स को खरीद सकते हो फिर देखो द कंपटीशन द कंपटीशन एक्ट 2002 की बात है बेसिकली कंपटीशन लॉ इज़ अ टूल टू इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड टू प्रिवेंट पनिश एंड एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिस बाई फॉर्म्स एंड अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेयरेंस इन द मार्केट ये लोचा कहता है कि कंपटीशन लॉ जो है ये एक ऐसा टूल है जो लागू करवाता है एक सही कंपटीशन को है ना एक ऐसे पॉलिसी को एक और साथ ही साथ कंपटीशन के एक ऐसे पॉलिसी को लागू करता है जिससे कंपटीशन हो सके साथ ही साथ ये कंपटीशन के किसी भी गलत तरीके को मार्केट से हटाता है है ना साथ ही साथ ये अननेसेसरी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को कम करता है द कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू एज अमेंडेड बाई द कॉम्पिटन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड सेवन फॉलोज़ द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न कंपटीशन लॉ कहता है कि ये जो नया कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 है ये नए फिलॉसफी को मॉडर्न कंपटीशन के फिलॉसफी को अपनाता है द एक्ट प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स कहता है ये जो एक्ट है ये मना करता है उन सारे एग्रीमेंट को जो एग्रीमेंट जो है वो जो एंटी कॉम्पिटिटिव है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय एंटरप्राइज एंड रेगुलेट्स कॉम्बिनेशन कहता है कि ये जितने भी डोमिनेंट पोजिशन है एंटरप्राइजेस के उन सब को ये क्या करता है रिमूव करता है कॉम्बिनेशन को ये रेगुलेट करता है एक्विजिशन अक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल एंड एम एंड विच कॉजिज और लाइकली टू कॉज एंड्रिसिएबल एडवर्सली इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन विध इंडिया ये सारी बातें फीचर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू अब देखो इसके कुछ फीचर्स हैं पहला फीचर द कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू हैज बीन इनेक्टेड टू प्रिवेंट practices having an appreciable adverse effect on competition, कहता है competition act 2002 थाउजेंड टू जो है वो लागू हुआ है बचाने के लिए किसी भी तरह के ऐसे प्रैक्टिस को जिससे कॉम्पिटिशन को कोई भी खतरा हो to promote and sustain competition in the market and to protect the interest of consumer kehta hai ki promote karne ke liye market mein competition ko chalane ke liye aur sath hi sath logo ke consumers ke uh, interest ko bachane ke liye To ensure फ्रीडम ऑफ ट्रेड व्यापार की आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए विद द information ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, थाउजेंड टू द एम आर टी पी एक्ट नाइनटीन सिक्सटी एंड द एम आर टी पी कमीशन सेल बी लो बच्चा कहता है कि कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के आने से एम आर टी पी एक्ट नाइनटीन सिक्सटी नाइन जो है वो रिपील्ड हो गया मतलब उसमें बदलाव आए हैं और एम आर टी पी कमीशन जो है उसको खत्म कर दिया गया है द कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू प्रोवाइड्स फॉर द इस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सी सी आई एंड प्रिस्क्राइब इट्स ड्यूटीज कहता है कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू जो है वो सी सी आई के इस्टैब्लिशमेंट के बारे में बताता है उसके कामों के उसके कर्तव्यों के बारे में बताता है उसके काम के बारे में बताता है, उसके में बताता है और उसके अधिकारों के बारे में बताता है द कॉम्पटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सी सी आई कहता है द कॉम्पटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सी सी आई वॉज बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन अक्टूबर टू थाउजेंड थ्री कहता है अगर बात आप सी की करते हो तो ये इस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चौदह अक्टूबर दो में द कमीशन इज अ बॉडी कॉरपोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील कहता है ये जो कमीशन है ये एक बॉडी कॉरपोरेट है मतलब लॉ के द्वारा ये इसका गठन होता है इसका परपेचुअल सक्सेशन है मतलब कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है और इसका अपना एक सील है सी सी आई कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन सीसीआई में एक चेयरमैन होता है छह मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से छह मेंबर अपॉइंट होते हैं इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कमीशन टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन कहता है ये ड्यूटी है कमीशन का टू एलिमिनेट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन कहता है कंपटीशन के ऊपर प्रतियोगिता के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है उल्टा प्रभाव पड़ रहा है तो उस प्रभाव को उस असर को खत्म करना ये काम होता है बाबू किसका सीसीआई का कहता है प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन जो कंपटीशन को प्रमोट करे लागू रखे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट ऑफ इंडिया कहता है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं उपभोक्ता हैं उन सारे उपभोक्ताओं के आ, आ, इंटरेस्ट को मतलब उनके आप कह सकते हो बचत का ध्यान रखें उनके फ़ायदे को ध्यान रखें रखे, है ना और व्यापार की आज़ादी भी दें इंडिया के मार्केट में द कमीशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव एन ओपिनियन ऑन कॉम्पिटिशन इशूज़ कहता है जो कमीशन है वो इस बात के लिए भी ज़रूरी है जिसमें वो अपना ओपिनियन अपना वो आ, तुम कह सकते हो बाबू अपनी राय देता है कंपटीशन के इशू पे ऑन अ रिफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टेटूटरी अथॉरिटी इस्टेब्लिश अंडर इनी लॉ एंड अंडरटेक कॉम्पटिशन एडवोकेसी कहता है कि जिसमें वो कॉम्पटिशन के एडवोकेसी को वो देख सके क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस पब्लिक को जागरूक रख सके एंड इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन कॉम्पिटिशन इशूज़ और साथ ही साथ कहता है कि ट्रेनिंग के लिए वो कॉम्पटिशन इशूज़ के लिए ट्रेनिंग दे सके द कॉम्पटिशन कमीशन हैज़ बिन इस्टेब्लिशमेंट फॉर द एकम्पलिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव कहता है कॉम्पिटिशन कमीशन जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आ, इन सारे ऑब्जेक्टिव के अकम्प्लिशमेंट के लिए पहला टू प्रिवेंट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन कहता है प्रतियोगिता के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए टू प्रोमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन इन द मार्केट मार्केट में कॉम्पिटिशन को प्रमोट किया जाए कॉम्पिटिशन को जिंदा रखा जाए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर कहता है कि उपभोक्ताओं के आ, का ध्यान रखना उपभोक्ताओं का ख्याल रखना कहता है टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कहता है व्यापार की आज़ादी का ध्यान रखना कैरीड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन मार्केट इन इंडिया जो और पार्टिसिपेंट के द्वारा कैरी ऑर किए कैरी ऑन किए जाते हैं हमारे देश में सी के रोल को अगर देखो तो कहता है द प्रीएम्बल टू द कॉम्पिटिशन एक्ट स्टेट्स एन एक्ट टू प्रोवाइड कीपिंग इन व्यू ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कहता है प्रीएम्बल ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट स्टेट्स के बारे में कहता है एक ऐसा एक्ट है जो प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश की फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन टू प्रिवेंट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन कहता है कि एक ऐसा कमीशन बिठाना जिस कमीशन से हम लोग बचा सकें किसी भी तरह के बुरे प्रभाव को कॉम्पटिशन पर पड़ने वाले टू प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन इन मार्केट मार्केट में कॉम्पिटिशन प्रमोट हो जिंदा रहे टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर कंज्यूमर का इंटरेस्ट बचा रहे टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड फ्रीडम ऑफ ट्रेड होता रहे अदर पार्टिसिपेंट इन मार्केट

साथ ही साथ कहता है एनश्योर फेयर एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी उन सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होना कंट्री फॉर फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ताकि कंट्री का फास्टर ग्रोथ हो इंक्लूसिव ग्रोथ हो एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी साथ ही साथ अर्थव्यवस्था का विकास हो फिर कहता है इंप्लीमेंट कॉम्पिटिशन पॉलिसीज़ विद एन एम टू इफेक्चुएट द मोस्ट एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहता है कि कंपटीशन को इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना जिसमें ये एम होते हैं ताकि हम लोग इफेक्चुएट करवा सके मोस्ट इफिशेंट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उन सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्स को हम लोग सही तरीके से लागू करा सकें डेवलप एंड नर्चर इफेक्टिव रिलेशन एंड इंट्रैक्शन विद सेक्ट्रल रेगुलेटर्स टू इंश्योर स्मूथ अलाइनमेंट ऑफ सेक्ट्रल रेगुलेटरी लॉज टेंडेम विद द कॉम्पिटिशन लॉ कहता है कि डेवलप करना नर्चर करना इफेक्टिव रिलेशन को इंट्रैक्शन विद सेक्ट्रल रेगुलेटर्स टू इंश्योर स्मूथ अलाइनमेंट ऑफ सेक्ट्रल रेगुलेटरी लॉज एंड टेंडन विद कंपटीशन लॉ कॉम्पिटिशन लॉ के साथ इसको ला, लागू रखना इफेक्टिवली कैरी आउट कंपटीशन एडवोकेसी एंड स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन और बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग स्टेक होल्डर्स कहता है कि सही तरीके से कंपटीशन को आगे बढ़ाना जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जो उनके बेनिफिट के लिए हो टू इस्टेब्लिश एंड नर्चर कंपटीशन कल्चर इन इंडियन इकानमी कहता है हमारे इकॉनमी में कंपटीशन के कल्चर को बढ़ावा देना ये काम करना इसका काम है बाबू है ना तो छोटी मोटी और बातें बच्चे आसानी से हम लोग इस लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं आना बड़े ध्यान से और देखना बच्चा अगला पॉइंट क्या कहता है अगर नेक्स्ट पॉइंट को देखो तो ये पॉइंट आपका कहता है बच्चा रोल ऑफ सी सी आई एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर देखो सी सी आई किस तरह से बिजनेस फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है किस तरह से ये सी सी आई जो है ये बिजनेस को सुविधाएं देता है कहता है फेयर कॉम्पिटिशन इज अ की टू अ थ्राइविंग बिजनेस सेक्टर किसी भी एक बिजनेस सेक्टर के लिए बाबू सबसे मेन जो होता है वो होता है फेयर कंपटीशन कंपटीशन हो लेकिन वो सही हो सी सी आई प्रोडक्ट्स बिजनेस फ्रॉम अदर बिजनेस अनफेयर प्रैक्टिस एंड पेनलाइज द एयरिंग इंस्टीट्यूट टू कहता है कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो गलत तरीके का गलत प्रैक्टिस का अगर कंपटीशन करता है तो उसको पेनालाइज भी किया जाता है इट प्रमोट्स कंपटीशन बाय प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ डोमिनेंस बाय अ मार्केट प्लेयर टू द डिटरेंट ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स एंड द कंज्यूमर्स कहता क्या है ये प्रमोट करता है कॉम्पिटिशन बाई प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ डोमिनेंस बाई अ मार्केट प्लेयर कहता मार्केट प्लेयर का कोई भी डोमिनंस जो है उसको ये क्या करता है अवॉइड करता है जितने भी अदर कॉम्पिटिटर्स हैं उन सारे कॉम्पिटिटर्स के उन सारे कंज्यूमर्स के आप कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट को ये क्या करता है डेटर करता है एज सच इट इंश्योर्स द को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल इंटरप्राइज कहता है कि इसके साथ साथ ये बड़े और छोटे इंटरप्राइज का को को भी इंश्योर करता है अब आज अब हम लोग बात करने वाले हैं आई की इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके इंट्रोडक्शन को अगर देखो तो इंट्रोडक्शन कहता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई इज एन ऑटोनोमस एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी विच रेगुलेट्स एंड डेवलप्स द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया कहता है आई जो है वो एक ऑटोनोमस एपेक्स स्टेटूटरी बॉडी है जो रेगुलेट करता है डेवलप करता है इंश्योरेंस को हमारे देश में इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथॉरिटी एक्ट कहता है इसका गठन जो है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के तहत हुआ था एंड ड्यूली पास्ड बाय द पार्लियामेंट और ये पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया गया था आई आर डी आई एक्ट नाइनटीन नाइनटी नाइन अलाउज प्राइवेट प्लेयर्स टू एंटर द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया बिसाइड्स अ मैक्सिमम फॉरन इक्विटी ऑफ ट्वेंटी सिक्स परसेंट इन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हैविंग ऑपरेशन इन इंडिया कहता है आई आर डी आई एक्ट जो है बाबू ये एक्ट जो है वो नाइन्टीन नाइन्टी नाइन में अलाउ किया था जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर हैं उसको अलाउ करने के लिए साथ ही साथ जितने भी फॉरन सेक्टर्स से हैं वो भी ट्वेंटी सिक्स परसेंट के इक्विटी के साथ एंटर कर सकते हैं इस मार्केट में इंश्योरेंस बिल प्रपोज बाई यू पी ए गवर्नमेंट इन जुलाई टू थाउजेंड थर्टीन बट पासड इन जुलाई टू थाउजेंड फोर्टीन रेज द एफ डी आई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर टू फोर्टी नाइन परसेंट ये लो कहता है इंश्योरेंस बिल जो प्रपोज किया गया था यू पी ए गवर्नमेंट के द्वारा जुलाई दो हज़ार तेरह में जिसको पास किया गया जुलाई दो में जिसने एफ के लिमिट को रेज कर दिया था इंश्योरेंस सेक्टर के लिए परसेंट पे इट सर्व्स एज एन ऑथोरिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होल्डर्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कहता है ये सर्व करता है अधिकारों को जिसमें बचाया जाता है इंटरेस्ट के इंटरेस्ट ऑफ होल्डर्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो 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 इंसान इंश्योरेंस लिया हुआ है उसके जितने भी फायदे हैं उन फ़ायदों को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है टू रेगुलेट प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री कहता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ग्रोथ को रेगुलेट करना प्रमोट करना है ना एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड डेयर विथ और कहता है कि और उनके साथ जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं उसको भी आई आर डी आई आई रोल इज़ टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एंड दे प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रीन्यूअल मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन एंड सस्पेंसन ऑफ द रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट ये लोग आई आई डी आई के बारे में कहता है कि आई आई डी आई का रोल जो है वो रोल है प्रोटेक्ट करना जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं उनके राइट right को उनके रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करना लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को uh, इसके राइट्स को होल्ड प्रोटेक्ट uh, करना रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनूअल मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन सस्पेंशन ऑफ द रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट कोई भी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है तो उसके रेनूअल के लिए उसके मॉडिफिकेशन उसके कैंसिलेशन उसके सस्पेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल uh, होना मिशन स्टेटमेंट ऑफ द अथॉरिटी अथॉरिटी के कुछ मिशन स्टेटमेंट को देखो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंड सिक्योर फेयर ट्रीटमेंट टू पॉलिसी होल्डर्स कहता है कि इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना फेयर ट्रीटमेंट पॉलिसी होल्डर्स को एक सही ट्रीटमेंट देना टू ब्रिंग अबाउट स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंश्योरेंस इंडस्ट्री में स्पीडी और एक ऑर्डरली ग्रोथ हो फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन जिससे आम इंसान का फ़ायदा हो सके एंड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी साथ ही साथ इकॉनमी के ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करना टू सेट प्रमोट मॉनिटर एंड इन्फोर्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी कहता है कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी को सेट करना प्रमोट करना मॉनिटर करना इन्फोर्स करना फाइनेंशियल साउंडनेस का ध्यान रखना फेयर डीलिंग एंड कॉम्पिटेंस ऑफ दोज इट रेगुलेट्स कहता है कि फेयर डीलिंग्स के साथ साथ इन सारे चीज़ों को ये रेगुलेट करता है टू इंश्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्यून क्लेम्स जितने भी जेनुन क्लेम्स हैं उसका स्पीडी सेटलमेंट टू प्रिवेंट इंश्योरेंस फ्रॉड्स एंड अदर माल प्रैक्टिस एंड पुट इन प्लेस इफेक्टिव ग्रीवानसिस रिड्रेसल मशीनरी कहता है कि इंश्योर uh, करना स्पीडी सेटलमेंट जितने भी जेनुइन क्लेम्स हैं उसके टू प्रिवेंट इंश्योरेंस फ्रॉड इंश्योरेंस में किसी भी तरह के फ्रॉड को प्रिवेंट करना कोई भी और बुरे प्रैक्टिस से होने से बचाना है ना एंड पुट प्लेस इफेक्टिव ग्रीवान्स रिड्रेसल मशीनरी कहता है कि कोई भी अगर ग्रीवान्स रिड्रेसल है मतलब कोई भी अगर आ, आपकी परेशानी तो उस परेशानी को जल्दी जल्दी दूर करने की आ, कुछ तरकीबें टू प्रमोट फेयरनेस फेयरनेस को प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी को ऑर्डरली कंडक्ट को इन फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट में डीलिंग विथ इंश्योरेंस एंड बिल्ड अ रिलायबल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहता है कि इंश्योरेंस के साथ डील करना रिलायबल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ बिल डील करना इन्फोर्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस कहता है फाइनेंशियल साउंडनेस के साथ हाई स्टैंडर्ड के साथ काम करना अमंग मार्केट प्लेयर जितने भी मार्केट प्लेयर हैं उन सब के साथ टू टेक एक्शन वेयर सच स्टैंडर्ड आर इन एडिकुएट और इनफेक्टिवली इन्फोर्सड कहता है वहाँ पे एक्शन लेना जहाँ पे ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी uh, नहीं मेंटेन की जाती है फेयरनेस नहीं मेंटेन की जाती है सही तरीके से इंश्योरेंस uh, के जो होल्डर्स उनके राइट right को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता वहाँ पर एक्शन लेना टू ब्रिंग अबाउट ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इन अ डे टू डे वर्किंग ऑफ़ द इंडस्ट्री कंसिस्टेंट विथ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशन कहता है कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन मतलब कि खुद से अपने इंश्योरेंस के बारे में जानना उसकी जानकारियां लेना ऐसे सुविधाएं प्रोवाइड करना है ना डे टू डे वर्किंग में साथ ही साथ बाबू सही तरीके से उसको रेगुलेट करना अगर आई आर डी आई के ड्यूटीज को देखो पावर्स को देखो फंक्शन को देखो तो कहता है सेक्शन फोर्टीन ऑफ आई आई आर डी ए आई एक्ट नाइनटीन नाइनटी नाइन लेज डॉन द ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शन ऑफ आई आर डी ए आई ये लो कहता है अगर सेक्शन चौदह की बात करते हो आई आर डी ए आई की तो कहता है सेक्शन चौदह आई आर डी आई का एक्ट जो है वो नाइनटीन नाइनटी नाइन का वो आई आर डी आई मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ड्यूटीज को पावर्स को फंक्शंस को बताता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉज फॉर द टाइमिंग इन फोर्स द ऑथॉरिटी शेल हैव द ड्यूटी टू रेगुलेट प्रोट एंड एंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस क्या कहता है कहता है कि यहाँ पर बात होती है जितने भी ऑथोरिटी हैं जो रेगुलेट करते हैं प्रमोट करते हैं और ऑर्डरली ग्रोथ इंश्योरेंस बिजनेस के री इंश्योरेंस बिजनेस के ग्रोथ के बारे में कहते हैं उन सब को ध्यान रखना द पॉवर्स एंड फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी शैल इंक्लूड अब देखो इस अथॉरिटी का क्या पावर है क्या फंक्शन है इशू टू द एप्लीकेंट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोई भी एप्लीकेंट अगर इंश्योरेंस में रजिस्टर्ड करवाए इंश्योरेंस लिया तो उसका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट उसको देना रिन्यू का मॉडिफाई का विड्रॉ का सस्पेंड का कैंसिल सच रजिस्ट्रेशन ये सारी चीजें प्रोडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स इन मैटर्स कंसर्निंग असाइनिंग ऑफ पॉलिसी नॉमिनेशन बाई पॉलिसी होल्डर्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम सरेंडर वैल्यू पॉलिसी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ये लो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ़ द पॉलिसी होल्डर्स कोई भी तरह का अगर पॉलिसी होल्डर है तो उस पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है ना पॉलिसी को असाइन करना नॉमिनेशन बाई पॉलिसी होल्डर पॉलिसी होल्डर को नॉमिनेट करना इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंटरेस्ट को इंश्योर करना सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस क्लेम को सेटल करना सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी एंड अदर टर्म्स कहता है पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू को कुछ और चीजों को इन सब का ध्यान रखना स्पेसिफाइंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन कहता है कि ये सारे क्वालिफिकेशन की जरूरत है कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर इंटरमीडियरी और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज एंड एजेंट्स कहता है कि स्पेसिफाइड इक्विजिट क्वालिफिकेशन ज़रूरी जो क्वालिफिकेशन उसकी ध्यान रखना कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का ध्यान रखना इंटरमीडियरी और इंश्योरेंस इंटरमीडियरी और एजेंट्स का इन सब के ट्रेनिंग का ध्यान रखना स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर्स कहता है कि जितने भी सर्वेयर्स हैं जितने भी लॉस एसेसर्स हैं इन सब के कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना प्रोमोटिंग एफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इंश्योरेंस बिजनेस में इसका ध्यान रखना उसके एफिशिएंसी का प्रोमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस जितने भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन सबका ध्यान रखना उन सबको प्रमोट करना लेविंग फीस एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट कहता है कि इस एक्ट को लागू रखना इस एक्ट के तहत उनका ध्यान रखने के लिए फी चार्ज करना ये सारा काम करना कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन फॉर्म होगा ये Calling for information form, undertaking inspection of conducting inquiries and investigation, including audit of the insurers, intermediaries, insurance and intermediaries, and other organizations connected with insurance business. Firkata control and regulation of the rates, advantages, terms, and conditions that may be offered by insurers and respect of general insurance business. Specifying the form of form and manner in which book ऑफ़ अकाउंट शेल बी मेटेड एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शैल बी रेंडर्ड बाई इंश्योरस एंड अदर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज है ना कहता है कि किसी भी तरह के बुक ऑफ अकाउंट को मेनटेन करना उसका ध्यान रखना उसका रिकॉर्ड रखना जो इंश्योरेंस जो इंश्योर या कोई भी इंश्योरेंस इंटरमीडियरी का काम है इन सब चीज़ों को रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड बाई इंश्योरेंस कंपनीज कहता है इंश्योरेंस कंपनी जितने भी फंड को रेगुलेट करते हैं उन सब का ध्यान रखना रेगुलेटिंग मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सॉलवेंसी सॉलवेंसी के मार्जिन को रेगुलेट करना एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंश्योरस एंड इंटरमीडियरीज और इंस्योरेंस इंटरमीडियरीज ये लो कहता है एडजुडिकेशन डिस्प्यूट्स का किसी भी तरह का अगर कोई डिस्प्यूट हो कोई झगड़ा हो तो उसका सुलह कराना जो इंस्योर और इंटरमीडियरी के बीच में होता है सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द टेरिफ एडवाइजरी कमिटी टेरिफ एडवाइजरी कमिटी के ऊपर भी ध्यान रखना स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम ऑफ द इंश्योर टू फाइनेंस स्कीम फॉर प्रोमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्ड टू इन क्लॉज एफ कहता है कि स्पेसिफाई करना परसेंटेज को जो एक प्रीमियम इनकम इंश्योर को जो मिलेगा जो फाइनेंस स्कीम दिलवाता है या किसी भी तरह का कोई प्रमोशन का, का काम करता है उसका ध्यान रखना स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बाई इंश्योर इन द रूरल एंड सोशल कहता है कुछ और इस तरह के पावर्स को एक्सरसाइज करना जो वहां दिया गया है रोल ऑफ आई आर डी ए आई एज बिजनेस फैसिलिटेटर अब देखो आई आर डी ए आई जो है वो बिजनेस फैसिलिटेटर के तौर पर क्या क्या रोल निभाता है ये देखो बच्चा अगर आप IRDAI का रोल देखते हो एक बिजनेस फैसिलिटेटर के तौर पे तो कहता है कि IRDAI आर डी आई ऑल्सो एक्ट एज अजनस फैसिलिटेटर ये भी एक बिजनेस फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है फर्स्टली टेक्स स्टेप्स टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन द कंट्री सबसे पहले ये वो कदम उठाता है जिसमें किसी भी एक देश में जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो डेवलप हो सके सेकेंडली इट सर्व्स एज एन अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स इन क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग दैम कहता है कि फिर उसके बाद ये आ, उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है है ना इंटरेस्ट ऑफ़ द इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर जो भी पॉलिसी होल्डर हैं उनके इंटरेस्ट uh, को प्रोटेक्ट करता है कॉन्फिडेंस उनके अंदर लाता है आई आर डी आई डिसमिनेट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एंड ऑल्सो फॉर एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक एंड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड कीपिंग देम अलाइव ये लो बच्चा कहता क्या है कि जितने भी जितने भी हमारे देश में जितने भी कंपनियाज़ हैं उन सारे सारे कंपनियों के बारे में आई का ये काम होता है कि आई उन सारे कंपनी में जितने भी इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स को इन्वेस्ट कर रखा अपने पैसे लगा रखे हैं उन सारे इन्वेस्टरों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी यहाँ पे काम आई का ही होता है इसका ध्यान रखना फिर देखो क्या कहता है फंडिंग इंस्टीट्यूशंस इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स है ना कुछ फंडिंग इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है बच्चे और वो फंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपके वो इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स में आते हैं है ना बच्चे तो अब ऐसे केसेस में हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं बच्चा पार्टी बड़ा ही आसान सा वो काम ये होगा कि हम लोग इस लेक्चर में बातें यहीं तक रखते हैं ठीक है इस लेक्चर में हम लोग बातें यहीं तक रखते हैं एक लेक्चर और लगाते हैं बच्चा और उस लेक्चर में हम लोग फंडिंग इंस्टीट्यूशंस इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स की बातें करते हैं जिसमें एस एल आर सी आर आर इन सब का मैकेनिज़्म समझते हैं बड़े आराम से है ना इन सारी बातों को समझते हुए हम लोग इस चैप्टर को भी ख़त्म करते हैं और साथ ही साथ इस चैप्टर में जितने भी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं मुझे लगता है तकरीबन तकरीबन बाबू इस चैप्टर में हमारे पास बाईस तेईस चौबीस पच्चीस पच्चीस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं तो उस लेक्चर में हम लोग आसानी से इस छोटे से टॉपिक को भी और इस 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी खत्म करते हैं है ना बच्चा तो आज के लिए इतना ही रहने दें बोलो बच्चा आज के लिए इतना ही रहने दें आज के लिए इतना ही रहने देते हैं है ना मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में उस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे कार्यवाही जो है अपनी वो फंडिंग इंस्टीट्यूशंस इंडियन डेवलपमेंट बैंक से ठीक है बच्चा अभी के लिए इतना ही है ना पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो बच्चा मिलते हैं अगले लेक्चर में थैंक यू बाय बाय